So hello everyone, I'm Japneet here, and in this video I'll discuss about that how I got 9 in listening. Moreover, I'll tell you about some videos that you can watch, you can go through to score 9. Okay, jo videos main khud dekhta tha apne time mein, theek hai, to wo videos, wo channels ke bare mein main yahan pe reveal karunga. To haan, agar aap wo follow karoge to aap score kar paoge 9 tak, kyunki काफ़ी सारे यहाँ पे जो कह सकते हैं कि उनका जो लेवल है, ठीक है, तो मतलब मोस्टली इंग्लिश में ही रहती हैं, तो ठीक है, तो वो चीज़ आपको बताऊंगा मैं. आप ध्यान से देखना वो चैनल, सभी के सभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. तो फर्स्ट चैनल जो मैं नहीं भी देखता था, जो कि आज बेनिफिशियल हैं, वो भी बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो अभी स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहला जो चैनल है यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर देखोगे तो दैट इज़ सबका ही फेवरेट है, दैट इज़ WWE, ओके, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का है. तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे ये रहा अपना, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, मोस्टली जैसे ये लिखा हुआ, द वाइपर ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन फॉर ब्रूचुअली अटैकिंग एज, मीन्स जो ये रैंडी ऑर्टन है या कुछ भी है, मतलब यही है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में बात करते हैं, मोर ओवर सबटाइटल्स हम ऑन रख सकते हैं. तो WWE एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ जहाँ पे आप पूरा अच्छे से देख सकते हो कि मतलब, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वर्ल्ड लेवल पे मतलब जो इनकी इंग्लिश का लेवल है, दैट इज़ मतलब वो बहुत बढ़िया है. बढ़िया इन द सेंस कि सभी ही समझ सकते हैं, चाहे कोई अमेरिकन हो, चाहे कोई फिलीपींस हो, चाहे कोई इंडियन हो, चाहे कोई पाकिस्तान से हो, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है. तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आप वो देख सकते हो, मैं खुद देखता रहा हूँ, ठीक है. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैनल. द सेकेंड वन इज़ UFC, ओके, अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप. तो ये भी एक फाइटिंग चैनल है. ये इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ आते हैं, जो व्लॉग सीरीज़ होती हैं, ठीक है. तो जो जैसे कि एक दिन मैच होता है, तो उसके जो व्लॉग बनते हैं 5 या 6 बनते हैं, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है, बजाय कि कोई मतलब नेटिव लैंग्वेज में व्लॉग देखें. अच्छा है कि आप इंटरनेशनल व्लॉग्स देखें. मोर ओवर जैसे कोई इंटरव्यू होते हैं, जैसे ये रहा UFC है ना, रेले जो कर्टिस ब्लेड्स है, उसकी इंटरव्यू है फाइट जीतने के बाद, तो वो क्या बोल रहा है, तो मतलब ये चीज़ें मैं खुद देखता रहूं, तो इसी से ही मेरे मतलब स्कोर अच्छा आया, ठीक है. तो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हैं, इवन कि मतलब जैसे ये रहा एक तो डैना वाइट लुकिंग फॉर अ फाइट, ये एक शो चला था, तो ये शो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. इसके भी 6 या 7 एपिसोड्स हैं, और हाँ 2 सीज़न है शो के. तो ये फाइटर्स को जैसे रिक्रूट करते हैं, वो चीज़ है, मतलब ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी देख सकते हो, बट मैं इन चीज़ों को प्रेफरेंस देता हूँ. अभी आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है. तो इसके बाद जो आती है वो है इंडियन सीरीज़. तो इसके बाद जो आती है वो है इंडियन सीरीज़. इंडियन सीरीज़ मतलब जैसे मैं देखता था ये वाली बेक्ड, ठीक है. तो बेक्ड जो है ये एक इंडियन सीरीज़ है, जैसे कि इसके 7 एपिसोड है, 2 सीज़न है, 7 एपिसोड हैं दोनों सीज़न में, ओके. तो दिस इज़ अवर थर्ड चैनल, मतलब ये है स्कूप वूप है, इंडियन चैनल ही है. ये इसलिए बढ़िया है क्योंकि मतलब एंटरटेनमेंट भी है प्लस नॉलेज भी है. सो दिस इज़ वाई दिस इज़ बेटर. हाँ, सब टाइटल के साथ देखोगे तो बढ़िया है, क्योंकि इनका जो लेवल है, हमने अपना लेवल ही बढ़ाना, तो इसका जो लेवल है वो काफ़ी बढ़िया है. तो आप इसको अगर देखोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा ये, ठीक है. तो इसके बाद मूव करते हैं अपनी जो फोर्थ है. अभी जो फोर्थ है वो आप कोई भी, फिफ्थ मैं बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. अभी फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ क्या है. जैसे कोई भी सिंगर है आपका फेवरेट है, तो आप उसकी इंटरव्यूज़ वगैरह देख सकते हो. जैसे कि जस्टिन बीबर हो गया है ना, उसकी इंटरव्यू होगी. तो ये मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, या फिर ये जो एलन शो है, द एलन शो हो गया, और लेट नाइट शो विद जिमी फालोन, है ना, ऐसे जो शोज़ होते हैं, जैसे कि जैसे आप, मैं यही बता देता हूँ, द एलन शो, ओके. तो ये एक एलन शो है करके, और एक दो और शोज़ है, अगर आप ये देखेंगे, ये बहुत बढ़िया इंटरव्यूज़ होती हैं सेलिब्रिटीज़ की, ठीक है. तो एक हो द लेट नाइट शो कुछ ऐसे करके है, हाँ द लेट लेट शो विद जेम्स, ये है. मतलब ऐसे काफ़ी सारे शोज है, जो अपने ये अपनी फोर्थ कैटेगरी है, ठीक है. अभी फिफ्थ में मैं आऊँगा. तो फिफ्थ जो है वो अमेजिंग है, दैट इज़ इंग्लिश
स्पीच, इंग्लिश स्पीचेज और समथिंग करके चैनल है। सो ये रहा जैसे कि इंग्लिश स्पीचेज करके जो चैनल है, तो इसका फ़ायदा ये है कि सबटाइटल्स, बड़े बड़े सबटाइटल्स में दिया होता है सारा कुछ, तो बहुत अमेजिंग चीज़ है ये। और ये सबसे बेस्ट चैनल है, ठीक है। तो ये वो पांच चीज़ें हैं, अगर आप ये देखना शुरू करोगे वेब सीरीज़ की जगह पे, या वेब सीरीज़ देखोगे, तो आपका स्कोर, मतलब मैं खुद देखता रहूँ ये फिफ्थ को छोड़ के, क्योंकि ये अभी मुझे अभी पता लगा। और हाँ, जो मैंने प्रीवियस बताए हैं चार, उनसे बेटर ये फिफ्थ है। तो ठीक है, तो आप आज ही से स्टार्ट करना शुरू कीजिए और एक मंथ तक आपका बढ़िया हो जाएगा सारा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।